वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन कोई खास नहीं हुआ। पहले तो चार छोड़ो, ये केजीएफ चैप्टर टू थी कैसी? आप मत पूछो यार। थोड़ा हेवी गया फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत केजीएफ वन वॉज अ बेटर वन और इवन आरआरआर वॉज अ बेटर वन, तो ये ठीक है, इतना मजा नहीं। मेरे तो आरआरआर में भी मजा नहीं आया था, लेकिन पीवीआर का चार्ट 4% नीचे। आशीष जी देखिए, पीवीआर में परसों के दिन जो हुआ था दैट वाज अ रिवर्सल, परसों है लास्ट सेशन, और रिवर्सल के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे जो टैंक हो रहा है सुबह सुबह, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है कि यहाँ पे 1750 तक का करेक्शन ड्यू है, प्रोबेबली इमीडिएट नहीं, लेकिन आज के हिसाब से सोचे तो 1800 इसका पहला पड़ा होगा, 1800 टूटेगा तो 1750 जो कि इसका 20 डीएमए का सपोर्ट होगा, यहां तक करेक्शन होगा। तो पीवीआर अगर आपको सेल करना है तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखें, 1870 इसका स्टॉप लॉस होगा। अरे चंदन जी, बलरामपुर चीनी में शॉर्ट बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं, शॉर्ट का मौका है क्या ये? एक तो आप बलरामपुर की बात की है तो मैं प्राज पे फोकस करूंगा। बलरामपुर में तो शॉर्ट्स बन रहे हैं बट प्राज में एथेनॉल स्टोरी वर्क करेगा, वहां पे मूवमेंट आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि सुगर में कोई बड़े यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बनेंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इनफेक्ट किसी वजह से डिक्लाइन आता है 465 की तरफ तो इनफेक्ट खरीदारी की सलाह रहेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि 465 की तरफ आता है तो लेना चाहिए, 450 के सपोर्ट से वापस 525 तक के लेवल बनने चाहिए। और आपने बलराम की बात की है तो प्राज इंडस्ट्री करंट लेवल पे ले सकते हैं, 420 के स्टॉप लॉस से 460 तक के अपसाइड बनने चाहिए। यहाँ पे ट्रेड वही बेटर, तो प्राज इंडस्ट्रीज हरे निशान पे बाकी कामकाज करता हुआ, और यहाँ पे आप खरीदारी करने के मौके मोतीलाल ओसवाल के लिहाज से देख सकते हैं। बलरामपुर जी प्राज कॉल है, उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेरे ख्याल से मानस आपसे वो ओपनिंग ट्रेड नहीं लिया है अभी तक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा स्टॉक मानस? तो देखिए, जो ओपनिंग ट्रेड है फिलहाल के लिए, जो ट्रेंड है निफ्टी का वो निगेटिव लगता है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेंथ लगती है, तो उनमें से एक एनटीपीसी है, पावर क्षेत्र है जहां पर स्ट्रेंथ लगती है। चार पांच दिनों का कंसोलिडेशन हो गया, फाइनली एनटीपीसी ने 157 के रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, तो यहां पर करेंट लेवल पे खरीदारी करिए 155।